मुंडापांडी क्षेत्र के गांव दलपतपुर में भी जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी के जयकारों से दलपतपुर मुंडापांडे में भी जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इससे सारा वातावरण कृष्णमय हो गया। श्री कृष्ण की भक्ति में सरोवर, भक्तों ने पूजा अर्चना की, भक्तों ने मंदिरों और घरों पर ही रहकर कान्हा का जन्मोत्सव मनाया। मंदिरों से लोगों ने भजन कीर्तन कर भगवान के जन्मदिन पर बधाई देने के साथ ही मंगल गीत गाए। सोमवार को पूरे महानगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी वातावरण भक्ति से सरोवर नजर आया। हर तरफ भजनों और श्री कृष्ण के जयकारों की गूंज सुनाई दी। लोग उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में श्रद्धालु रह रहे। सभी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर वरदान मांगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर COVID-19 गाइडलाइन पर भारी नजर बनाए रखी गई। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के जीवन को प्रदर्शित करते हुए अनेक लीलाओं का भी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसे देखकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने सराहा। इस मौके पर चंद्रसेन, डॉक्टर फजल, सुनील कुमार, पप्पू, नन्हे सिंह, हरद्वारी, पृथ्वी सिंह, गुलाब सिंह, राजू आदि लोग मौजूद रहे। अच्छा, आज जो है क्या प्रोग्राम हो रहे हैं आपके यहाँ? ये हमारा जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है। हर साल की भर्ती होता है और पुलिस प्रशासन का भी साथ होता है। पत्रकार साहब का भी हमारे जो छोटी न्यूज से भी है और साल भाई हमारे इधर से हमें बड़ा सहयोग मिलता है। हर बार हर साल की भर्ती प्रोग्राम होता है हमारे। कितनी जगह पर होता है? कम से कम 3 जगह पर। अच्छा, इसमें प्रसाद वगैरह बनता है क्या क्या? हाँ, प्रसाद बनता है, हलवा वगैरह बनाते हैं और जैसे फल वगैरह उसका प्रोग्राम भी होता है और चाय की व्यवस्था भी होती है। तो बनाए खुद खा लेते हैं या वितरण करते हैं? जो भी आता है उसको सबको मिलता है। सबको मिलता है। कितने साल से लगभग आप? लगभग हम ये तो बचपन से हो रहा है, मैं देख रहा बचपन से प्रोग्राम में, जो पहले बड़े बूढ़े करते थे उसके बाद फिर और लोग करने लगे, अब हम लोग करने लगे। अच्छा, कौन से कौन से स्थान पर होता है? एक तो चमंडा मंदिर पर होता है, बालमी बस्ती में होता है और दूसरी जगह एक जगह और जैसे जनता आया, गांव की जनता है, सभी आते हैं, हिंदू मुसलमान सब। कुछ लोग बदतमीज होते हैं, उनके लिए आपका संदेश देना चाहूँगा? हम पहली बात तो हमारे यहाँ कोई बदतमीजी नहीं करता है, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब एकता के साथ रहते हैं और कोई हमें इसमें कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हमारे प्रोग्राम में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान लोग, बच्चे बड़े भी आते हैं देखने के लिए, अभी तो कोई परेशानी नहीं। सहयोग करते हैं? पूरा सहयोग करते हैं और पैसे भी देते हैं उसमें, जैसे किसी की इच्छा अनुसार जो भी अपने देना चाहते हो दे सकता है।